स्वच्छता अभियान गली गली वार्ड वार्ड कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, सफाई कर्मियों को सम्मानित। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में महाराज बाड़ी पर कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। ग्वालियर शहर को स्वच्छता में नंबर वन लाने के उद्देश्य स्वच्छता अभियान गली गली वार्ड वार्ड कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नगर निगम आयुक्त किशोर कानियाल ने तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री तुलसी राम सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, बीज निगम अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक मुन्ना गोयल, बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल माकिजानी, पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता, पर्यावरण के क्षेत्र में अग्रणी योगदान देने वाले प्रदीप लक्षणे सहित नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारी गण मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी शहरवासियों को ग्वालियर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए प्रतिज्ञा भी दी। कार्यक्रम के समापन पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया। माताओं, बुजुर्गों, भाई और बहनों, आज ज्यादा हम लोग भाषण न दें, हमारा काम ग्वालियर की शहर को देखना होगा, ग्वालियर की सड़कों को देखना होगा। शेजवलकर साहब ने स्वच्छता पर अपनी दिल की बात बहुत अच्छी तरह से हमको समझाई है। ये ग्वालियर हमारा धरोहर है, ये ग्वालियर हमारा घर है, ये माटी हमारी है। और जिस तरीके से हम अपने मन को स्वच्छ करते हैं, हम अपने दिल को स्वच्छ रखते हैं, अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, ये सड़कें हमारी हैं, ये नालियां हमारी हैं, ये घर घर के सामने चौपाल हमारे हैं, वही स्वच्छता इन नालियों में दिखनी चाहिए, इन सड़कों में दिखनी चाहिए, ये मेरी मन की जिज्ञासा है। आज हमारा ग्वालियर की जो क्षमता है, जो इन इमारतों में हम देखते हैं, जो इस ग्वालियर के इतिहास में हम देखते हैं, इस क्षमता को हमें राष्ट्र स्तर पर नहीं, हमें विश्व पटल पर निखारना है। और वो क्षमता तभी निखरेगी जब यहां की सड़कें चमकेंगी, यहां के घर घर के बाहर जो नगर निगम के हमारे एक एक कर्मचारी जो आते हैं, हमसे मांगते हैं कि कचरे को वैन में हम लोग डालें, अलग अलग खंड में हम डालें। एक शुद्ध घर कचरा होता है जो माटी में ही मिल जाता है, एक अशुद्ध कचरा होता है, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो ग्लास हो, जिसे हमें प्रोसेस करना पड़ता है, उसे रिसाइकल करना पड़ता है। ये विचारधारा भी हमें अपने मन में रखना होगा। तो आज मेरा आपसे यही निवेदन है, हमारे ग्वालियर को ऐसे जगमगा दें, ऐसे चमका दें कि आप और हम इन कुर्सियों पर नहीं, इस मंच पर नहीं, हमारे सड़क पर हम लोगों को बैठने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा चमकना चाहिए आपका ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, एक साथ मिलकर इस आंधी, इस तूफान के आधार पर हमारे ग्वालियर को मध्य प्रदेश के नहीं लेकिन देश के सबसे स्वच्छ शहर में परिवर्तित करके ही आप और हम चैन की सांस लें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए, आप लोगों को सबको झुककर प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नंबर वन बनाकर शहर का गौरव बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ग्वालियर से हमारे संवाददाता एहतिशाम खान की रिपोर्ट।